गुरु जी के रसोई में मंदिर रख सकते हैं, अगर ना रखें तो अच्छा है, क्योंकि मंदिर में बहुत सारी चीजों का काट फाट होती है, वनस्पति को काटते हैं, सब्जियों को काटते हैं, बहुत तरह के विचार होते हैं, कभी कभी हम कुछ और बात कर रहे होते हैं, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं माना गया। और फिर जैसे मैंने कहा कि फिर तो अब देखिए आपने छौंका लगाया, बहुत वैसे लहसुन प्याज का कोई बहुत विशेष विधान बहुत निषेध नहीं है बहुत सारी पूजा प्रार्थना में, लेकिन कुछ में है भी, वो हमें समझना चाहिए किसमें किसको खा करके नहीं करना है, किसको खा कर करना है क्या है। तो जब आप एक तड़का लगाएंगे अपने पैन, जो भी चीज आप बना रहे हैं अपने कढ़ाई चढ़ाई, अब कढ़ाई में जो चीज का छौंका लगाया वो तो वाष्पीभूत होकर के धूप का काम कर रहा है ना, वो तो उड़ करके देवी देवताओं तक भी पहुंच ही रहा है ना, क्योंकि उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। देवी देवता जब तक किसी मंदिर में स्थापित नहीं है, देवी देवता जब तक किसी दुकान भर में रखे हैं, किसी बनाने वाले के यहाँ रखे हैं, तब तक उनमें कुछ नहीं होता है, लेकिन जैसे ही विधि विधान के साथ उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है वो काम चालू कर देते हैं। यानी कि आपके पूजा घर में पहुंचती वो एक खाली मूर्ति नहीं रही, वो एक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है। अब वो एनर्जी कुछ ऐसी चीज आप उसे सुंघा रहे हैं धूप बत्ती की जगह, हवन की जगह, कपूर की जगह, जो उसके लिए निषेध हो सकती है, नकारात्मक हो सकती है। तो पता चला आपका हाथ जल गया, आपका हाथ कट गया, आपके ऊपर कोई चीज खोलता हुआ तेल गिर गया, दुर्घटनाएं हो सकती हैं, या भोजन आप बना रहे हैं भोजन किसी काम का ही नहीं रहा। तो हम इसको परमात्मा को बहुत अच्छे ढंग से अंगीकार करें। मुझे बड़ा कष्ट होता है कि हम जूता घर भी बनाते हैं घरों में, हम बार भी बनाते हैं घरों में, बहुत सारी चीजों के लिए स्थान बनाते हैं, अब ये कभी ख्याल में नहीं आता। मुझे बड़ा अचंभा हुआ, आज एक व्यक्ति मेरे पास आए, हमारे दीक्षित डिसाइपल ही हैं, पहले आदमी थे, मतलब कोई इससे वो बात नहीं, सिर्फ भाव की बात है, वो पहला आदमी था दुनिया में, उसने अपने घर का नक्शा मेरे सामने प्रस्तुत किया। और घर का नक्शा प्रस्तुत करने के बाद वो कहता है कि सबसे ऊपर का कक्ष ये वाला नक्शे में देखकर आपको कैसा लग रहा है? मैंने सब ठीक है, सब दिशाएं ठीक है, अच्छा है। वो 200 गज में या 500 गज में अपने कुछ कोठी बना रहे हैं, दो भाई हैं मिलकर के बना रहे हैं। वो बड़ा भाई मुझसे कहता है कि ये ऊपर वाला कक्ष आपको कैसा लग रहा है, इसकी दिशा विषय सब चीज ठीक है, सब ठीक है, इसमें क्या चीजें हैं, बाथरूम है, ये सब। मैंने कहा सब ठीक लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कहता है गुरु जी ये आपका कमरा है। मतलब ये मेरी कोई ऐसी इच्छा भी नहीं थी, मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था, और मुझे इससे मुझे प्रसन्नता इस बात की नहीं है क्योंकि मेरा कमरा बन रहा है। मैं तो अपने कमरे में बहुत कम रह पाता हूं, मेरे तो परमात्मा का कमरा मेरा कमरा है। एक भाव की बात कर रहा हूं, एक आदमी कहता है कि सबसे ऊपर सबसे बड़ा कक्ष आपका है, जब भी आप नहीं होंगे आप हम ये मानकर चलेंगे कि गुरु जी बैठ के पूजा पाठ कर रहे हैं, आपके क्लिप लगा देंगे, आपका एक ऑडियो मंत्र बजता रहेगा, हमें यह एहसास होता रहेगा गुरु जी सबसे ऊपर हैं और हमें संभाले हुए हैं। तो ये कमरा आपको कैसा लगा? अब उस शहर में मैं 2 बार गया हूं अब तक, शायद पता नहीं कितनी बार जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, लेकिन उस आदमी, अब ये कैसी कैसी बातें लोग सोचते हैं, बड़ी अद्भुत बातें हैं ये। मतलब अब बहुत सारे लोग इस बात को विचार में ले सकते हैं, लेकिन पहले जो विचार आता है वो बड़ा अद्भुत होता है। अब जो टॉमस अल्वा एडिसन थे, टॉमस अल्वा एडिसन को बहुत ज्यादा पसंद करती थी वहां की महारानी, और महारानी ने उनके सम्मान में उन्होंने बहुत सारे आविष्कार किए, स्टोरेज बैटरी से लेकर के बहुत सारे आविष्कार, लगभग 1000 आविष्कार टॉमस अल्वा एडिसन की देन है दुनिया में, ये बिजली का बल्ब सब कुछ उन्हीं का बनाया हुआ। तो उनके सम्मान में एक रात्रि भोज का आयोजन किया महारानी ने, तो बहुत सारे ऐसे प्रतिद्वंदी वैज्ञानिक थे, उनसे ईर्ष्या कर रहे थे, वो कहते पता नहीं इसको इतना पसंद क्यों करती हैं, इसके लिए डिनर दिया, इतना बड़ा जलसा किया, इतने 1000 लोग बुलाए और इसकी इतनी महिमा का गुणगान हो रहा है, इसमें ऐसी क्या खास बात है, इसके पास ऐसा कौन सा विचार है जो किसी के पास नहीं, हम भी सब कर सकते हैं। तो महारानी को जब सामने स्पष्ट खड़े होकर लोग विरोध कर रहे होते, तो महारानी कहती है एडिसन तुम ये जस्टिफाई करो कि तुम में क्या विशेषता है कि तुम इनसे कुछ अलग हो और नए ढंग से सोचते हो। तो एडिसन कहता है, एक अंडा उठाता है वहां से, क्योंकि क्रिश्चियन है तो उनके यहाँ तो सब चीजें चलती हैं, टेबल, एक अंडा उठाता है और उनको दिखाता है, बाकी जो उसके प्रति वैज्ञानिक हैं उनसे कहता है इसको टेबल पर खड़ा कर दीजिए। 2-4 आते हैं, वो अंडा तो जैसे उसकी शेप होती है तो वो कैसे खड़ा हो पाएगा, वो लुढ़क जाता है बार बार, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। वो सारे कहते नहीं नहीं ये खड़ा नहीं हो सकता, ये फालतू की बातें करते हैं, ऐसा कैसे संभव है, तो असंभव बात है, ये तो हो ही नहीं सकता है, और अंडा कैसे खड़ा किया जा सकता है। तो फिर बात घूम के फिर रानी के पास पहुंचती है, तो विक्टोरिया कहती है कि भाई अब आप इस बात का जवाब दो एडिसन, अंडा आपने ऐसी शर्त रख दी कोई खड़ा ही नहीं कर पा रहा, और कहते ये खड़ा नहीं हो सकता टेबल के ऊपर, ये बार बार उड़क जाता है, इसकी शेप ही ऐसी। वो अंडे को हाथ में, बोले मैं करके दिखाऊं, हाँ, वो अंडे को हाथ में लेता है, हल्के से ठसक मारता है उसके तली में और उसे खड़ा कर देता है, अंडा ऑब्वियसली टूट जाता है पर खड़ा तो हो जाता है। तो कहते नहीं नहीं, तो बोले मैंने कब कहा था कि तोड़ना नहीं है, मैंने तो कहा था अंडा खड़ा करना है, और ना मैंने ये कहा था कि इसमें ठसक नहीं मारनी है। तो ये पहली बार का जो थॉट है, तो ये मैं बात उस बात की कर रहा था कि उन्होंने जो अपने यहाँ रखा, अब ऐसे आदमी का विचार जिसने अपने यहाँ पहले स्थान परमात्मा के लिए निश्चित कर लिया, जिसने अपने यहाँ पहले मंदिर का स्थान निश्चित कर लिया, उसमें क्या करेगा वो? मेरे वाले कमरे में ना तो कोई बीड़ी सिगरेट तंबाकू रख सकता, पहले अपना सेवन भी नहीं करता, पर कभी रखे भी नहीं सकता, उसमें क्या रखेगा? उसमें कपूर रखेगा, उसमें देसी घी का दिया जलाएगा, उसमें वैदिक मंत्र बजाएगा, उसमें कुछ और करेगा, तो वो तो देवीय ऊर्जाएं वैसे ही वहां समाहित होनी शुरू हो जाएंगी।
तो ये ऐसी ये सब हमारी सोच है एक्चुअली। तो पहली बार मुझे क्या ऐसा आदमी मिला कि वो कहता है कि मैं आपके लिए कमरा बना रहा हूँ। भाई मेरे को तो कभी शायद में मतलब अब कभी हो सकता है मैं चला भी जाऊँ, पर ऐसा कोई मेरे मैनिफेस्टो में है नहीं। और उन्हें भी इस बात का पता है कि गुरु जी यहाँ आकर नहीं रहेंगे, पर वो जो भाव है, अब ये कोठी तो बहुत बड़ी बन जाने वाली है। मतलब ये सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने मेरे को मेरा कमरा बना के मुझे बड़ा प्रसन्न कर दिया या मुझे इससे बड़ी, मैं इस भाव की प्रतिष्ठा की बात कर रहा हूँ कि वो विचार जो विचार है कि पहले विचार किस चीज़ का आया। ये नहीं आया कि मैं बार बनाऊंगा, मैं फलाना बनाऊंगा, मैं जूता घर बनाऊंगा, मैं इसमें गाड़ी का पोर्च बनाऊंगा या मेरी BMW खड़ी होगी या मेरी लिमोजिन खड़ी होगी, कुछ नहीं है विचार। विचार ये कि पहले मैं ये बनाऊंगा और उसके बाद मैं कुछ और करूंगा। तो ये चीज़ें बहुत उस तरफ ले जाती हैं हमें। तो आप अपने उसमें ना रखें, कहीं अलग ही रख लें तो अच्छा है। और बने बनाए पूजा घर भी आते हैं, मार्बल में मिलते हैं, वुड में मिलते हैं, प्लास्टिक में ना लें, सिरेमिक में ना लें, ऐसी चीज़ों में ना लें, आर्टिफिशियल उसमें ना लें, बाकी में वो अच्छा रहेगा। आर्याम अभयाम बायाम भजे रे रे चित सन जय रे।